जैसा जानते हो आप लोग, आपने ये दिखा है पहले कभी बुकलेट दिखा है आप लोगों ने? नहीं सर। ये हम लोगों ने आरकेटी क्लासेस में नया लॉन्च किया है जिसका नाम है आरकेटी सीए फाउंडेशन। ये कोर्स सीए फाउंडेशन के लिए है, ठीक है। टेंथ के बाद आधे बच्चे लेते हैं कॉमर्स, 50% कॉमर्स 50% साइंस, ठीक है। तो जो कॉमर्स लेते हैं उनके लिए कैरियर गाइडेंस है, ठीक है। जैसे साइंस का टॉप कॉलेज होता है IIT, वैसे ही सीए कॉमर्स के लिए टॉप इंस्टीट्यूट है ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसका ये लोगो है, ये अपना लोगो है राजीव सर का, ये मेरा फोटो, हाँ। राजीव फोटो, ठीक है। मैं अकाउंट्स लेता हूँ, तुम लोगों को मालूम ही है, 11th 12th कॉमर्स में। इसके अंदर जो कंटेंट है आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिर्फ ध्यान से सुनना। 11th 12th कॉमर्स जो CBSE का पोर्शन है वही CA फाउंडेशन का पोर्शन है अकाउंट्स के लिए। जो एक्स्ट्रा पढ़ना होता है मैथ्स, CA करना है तो आपको मैथ्स पढ़ना है, उसका होता है 100 मार्क का पेपर, आपको 50 आना चाहिए। अकाउंट्स भी 100 मार्क का होता है, उसमें भी 50 आना चाहिए। इकोनॉमिक्स होता है और बिजनेस लॉ होता है, 4 सब्जेक्ट 400 मार्क्स, आपको सब में 50% मार्क्स स्कोर करना है टू क्वालिफाई CA फाउंडेशन। ये होता है एंट्रेंस एग्जाम, और आपने इसको क्वालिफाई कर लिया तो आप सीधा जाओगे IPCC, CA इंटरमीडिएट, ठीक है। ये होता है 8 मंथ्स का कोर्स, ये आपने क्लियर कर लिया, ये होता है फॉर 800 मार्क्स। ये भी सेम क्राइटेरिया है 50%, आपने इसमें पास कर लिया तो आप आधा CA बन गए इंटरमीडिएट। इसके बाद फिर आता है CA फाइनल, ये होता है 2.5 ईयर का कोर्स, 2.5 साल का कोर्स है, आपको 2.5 साल में इसको पास आउट करना है। 8 सब्जेक्ट है फॉर 800 मार्क्स, ये थोड़ा टफ होता है। इसके रिजल्ट 3%, 4%, 2% आते हैं ऑल ओवर इंडिया में, मतलब टफ है, रिजल्ट कम है, मीन सप्लाई कम है इसकी, इसके लिए इसकी डिमांड ज्यादा है, मोर देन इंजीनियर्स। हर घर में इंजीनियर ज्यादा है तो डिमांड कम हो गई है, उसका प्राइस कम हो गया है। आज 15,000 में 8,000 में इंजीनियर मिलेगा, 15,000 सेल पे काम कर रहा है, लेकिन CA की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि डिमांड सप्लाई उसका कम है, ठीक है। 3% पास आउट होते हैं। ये हो जाने के बाद CA बन गए, CA के बाद फिर 3 साल का होता है आर्टिकलशिप, ठीक है, CA के अंदर में काम करना होता है, ठीक है। फिर काम करने के बाद आप CA बन जाओगे, ठीक है। तो जो लोग भी CA के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे वो 10th के बाद अपने क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आज समझ में चलो।